नाहर के पास अभी बहुत कम वक्त बचा है बेटा। मैंने अपने काम को बाखूबी अंजाम दिया है। मेरी नाहर की झूठी रिपोर्ट्स। वंडरफुल। अब वही होगा जो मैं और आप चाहती हैं। सलोनी के बारे में सोचा है नार? क्या बीतरी होगी उस पर? तुम्हारे साथ साथ हर पल एक मौत वो भी मर रही है। नहार, मेरी बात समझना। सलोनी ये सह नहीं पाएगी। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें कोई फैसला लेना होगा नहार। तुम यूं सलोनी को तड़पता नहीं छोड़ सकते और यूं खुद मौत का इंतजार नहीं कर सकते और इस इंतजार में खुद को सलोनी को जला नहीं सकते। बोलना चाहिए था कि नहीं पता तो हम किसी से पूछ के चलते। अब मेरा भी टाइम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो देखो वो जो लोग खड़े आगे वहां रोको गाड़ी। अमृत का आशीर्वाद किस्मत की बात होती है और किस्मत बार बार साथ नहीं देती। उसका आशीर्वाद तेरे हाथ से निकल गया सो निकल गया। गुरु माँ, मेरे पति की जिंदगी के लिए इस जल की बहुत जरूरत है। ये जल मुझे लेने दीजिए, ये जल मुझे लेने दीजिए। बस अपने आप चले जा यहाँ से वरना बाहर फेंकवाना पड़ेगा। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, ये जल मुझे लेने दीजिए। मेरे पति की जिंदगी बचा लीजिए गुरु माँ, मेरे पति की जिंदगी बचा लीजिए। स्वामी जी बुला रहे हैं। देखो मुझे वो जल मिल गया। सलोनी को ये पवित्र जल कैसे मिल गया?
इस जल से तो नहार के शरीर में मेरे भरे जहर का असर खत्म हो जाएगा, इतने वक्त की मेहनत तबाह हो जाएगी। देखो इसे पी लो नहार, पी लो। हमारी सारी तकलीफों का अंत होगा नहार, देख लेना कल की सुबह हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत देगी। तुम अपने आंखों से श्वेता को बड़ा होते देखोगे, अपने ना हाथों से उसे विदा करोगे। हम साथ रहेंगे नहार, हम साथ रहेंगे हमेशा। नहार, नहार मुझे कहा गया है किशल को पाने वाले को यहाँ के एक पुराने पीपल के पेड़ की 51 बार परिक्रमा करनी होती है। मैं अभी जाकर आती हूँ। देखो ना, खून से सने हुए सलोनी के पैरों के निशान। तुम्हारे लिए यहां से वहां दौड़ रही है, कितनी तकलीफ सह रही है, और अब एक झूठी उम्मीद लिए हुए 51 परिक्रमा करेगी। मैं सच से बिल्कुल अनजान कि कोई परिक्रमा, कोई जल तुम्हें मौत के मुंह से वापस नहीं ला सकता। कहां पड़ता हूं ये सोचकर कि सलोनी पर क्या बीती कि जब वो तुम्हें तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ते हुए मौत के मुंह में जाते हुए देखेगी। चमत्कार तो दूर, उसका तो भगवान से विश्वास उठ जाएगा। क्या हो रहा नहार? नहार? क्या हो रहा है तुम्हें? फरूर, वो ये जल पीने के बाद शरीर में कुछ अजीब से महसूस हो रहा है। सलोनी के विश्वास के मुताबिक तुम्हें ठीक होना चाहिए था। कुछ नहीं हो सकता नहार, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ करना होगा नहार, फैसला लेना होगा तुम्हें। सुनील की तकलीफ, उसके दर्द से तुम्हें उसको मुक्ति दिलवानी होगी। तुम्हें कुछ करना होगा नहार। नहार, आखिर मैं तुम्हारी जगह होता ना, सलोनी को इस आग में नहीं जलने देता। जस्ट इमेजिन हर, कितनी बदसूरत, कितनी खौफनाक होगी वो मौत जो जिंदगी भर सलोनी की यादों में रहेंगे। तुम तो छुटकारा पा लोगे, लेकिन वो उस बदसूरत मौत की यादों से जिंदगी भर छुटकारा नहीं पा पाएगी। जरूरत पड़ती तो मैं खुद को खत्म कर लेता, लेकिन यूं सलोनी को खत्म नहीं होने देता।
कुछ करना होगा ना। सूरज की तकलीफ उसके दर्द से तुम्हें उसको मुक्ति दिलवानी होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो सलोनी को इस आग में नहीं जलने देता। जरूरत पड़ती तो मैं खुद को खत्म कर लेता। नहार, नहार कहाँ जा रहे हो? भगवान करे कि जिंदगी की हर रेस में जीत हमेशा तेरे साथ। नार कहाँ हो तुम? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे याद कर रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे तुम्हें मेरी जरूरत है। उम्र छोटी ही सही, लेकिन इन तारों की जिंदगी के मायने कितने विशाल होते हैं। अंधेरों में उजाला फैलाना, हम इंसानों को भी इसी तरह जीना चाहिए। जिंदगी चाहे जितनी जिए, हर पल दूसरों की जिंदगी में खुशियों का कारण बनते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है बाबू, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बाबू कोई कोई कहानी सुनाइए ना, वो बचपन वाली, वो राजा वाली, राजा जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता। ये क्या बचपना है? तेरी अपनी बिटिया को कहानी सुनाने की उम्र है या मेरी तुझे? क्या पता बाबू, फिर मौका मिले ना मिले। नाहर, नाहर, नाहर। बाबू, बाबू क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? आप क्या हुआ? आप पानी पीजिए, पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आप पानी पीजिए थोड़ा। हे ईश्वर, ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा होने जा रहा है, कुछ कुछ बहुत ही अशुभ।
नाहर कहाँ हो तुम? नाहर, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये मेरे सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे राजदार, मेरे साथी, सब कुछ। आज मैं इन्हें आपके हवाले कर रही हूं। के साथ देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। इस बच्चे को नहीं, हमारे बच्चे को देखकर बोली। क्या हुआ नाहर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतने दिनों के बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूं सलोनी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जब श्वेता की शादी होगी तो मैं हार उसे गले में डाल देना। मैं क्यों? आप लाए हैं तो आप ही पहना दो उसकी शादी में। अगर मैं ब्लैंकेट लेकर सोती तो आपके इन प्यारे हाथों का स्पर्श कैसे मिलता मुझे? मैंने तो भगवान से कह दिया कि सिर्फ अगले जन्म में नहीं, मुझे हर जन्म में आपके जीवन संगी ने बनाया। क्या हुआ? नाहर, उन्हें रोको, उन्हें रोको नाहर, वो मुझे स्वामी जी से मिलने नहीं दे रहे। देखो ना, खून से सने हुए सलोनी के पैरों के निशान तुम्हारे लिए यहां से वहां दौड़ रही है, कितनी तकलीफ सह रही है। नाहर कहाँ हो तुम? नाहर! सलोनी क्या हुआ? वरुण, नाहर कहाँ है? यही था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पानी लेने गया था। कहाँ गया होगा ये? देखो, भागो 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 भागो, रोको उसको, रोको, अरे भागो! पानी का भाव बहुत तेज है।
ओनली पागल हो गए, पानी बहुत गहरा है उधर। वरुण मुझे जाने दो। कुछ नहीं वरुण, मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा नाहर को, वो लोग गए हैं ना। मुझे नाहर को बचाना हो। ये पानी में बहता हुआ शाल मिला है। सलोनी तुम कुछ नहीं कर सकती, पानी बहुत गहरा है उधर। अगर हम रस्सी बांध कर आगे चले जाए तो पता लग सकता है। ठीक है जाइए, कुछ लोगों को लेके आइए। नाहर को बचा लो। कुछ नहीं होगा, मेरे नाहर को बचा लो।